हैं कांग्रेस में युवा नेताओं के बागी तेवरों के बीच पार्टी में बदलाव की मांग तेज हो गई है। मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग की है। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इस मुद्दे के बीच कल सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी गई है। इसमें लीडरशिप के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल भी इसी महीने पूरा हो रहा है। पिछले साल राहुल के इस्तीफे देने के बाद सोनिया ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। अब बताया जा रहा है कि पार्टी का एक गुट राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहता है। पार्टी ने भी 2 दिन पहले मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि देश भर के कार्यकर्ता राहुल को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। तो कांग्रेस में युवा नेताओं के बागी तेवरों के बीच अब पार्टी में बदलाव की मांग काफी तेज हो गई है। मंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरद जी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर यहाँ पे मांग की गई है, तो ये जो बदलाव है आप इसको कैसे देखते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे अब ये तेवर हैं जो काफी बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं, इसके आखिर हम क्या मायने निकाले? देखिए करिश्मा, रिसेंटली 2 बड़े युवा नेताओं की बगावत कांग्रेस में हुई है और जिसने कांग्रेस को हिला कर रख दिया है। एक बगावत का परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश में सरकार चली गई और दूसरी सरकार जाते जाते बची और अंतिम समय में गलतियों को संभालते हुए कांग्रेस ने राजस्थान में ठीक तरीके से पहल करने की कोशिश की जिससे सरकार बच गई। लेकिन सरकार बची है, आगे किस तरह की रणनीति बनाकर वो आगे चलेगी राजस्थान में और पायलट साहब कितने संतुष्ट रहेंगे ये भविष्य बताएगा। इसको लेकर कांग्रेस के कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों ने और कुछ और सीनियर लीडर्स ने और करीब करीब मोटे तौर पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी है कि ये समय परिवर्तन करने का है। क्योंकि ये मांग लंबे समय से उठ रही है कि कांग्रेस का जनाधार घट रहा है देश में, युवा नेताओं में बेचैनी है और ये जो एक लड़ाई की शुरुआत यूपीए 2 में मानी गई थी कि कांग्रेस की वरिष्ठ पीढ़ी और कांग्रेस की युवा पीढ़ी के बीच में कहीं ना कहीं एक लड़ाई जरूर चल रही है, वो वैचारिक है, सैद्धांतिक है या फिर पद को लेकर है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो संघर्ष जरूर है और यही वजह है कि अब CWC की बैठक के पहले ये मसला फिर उठा है और निश्चित तौर पर इस बैठक में एक बार फिर राहुल गांधी को कमान सौंपे जाने की बात उठेगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से खबर यही है कि राहुल अभी भी अपनी उसी मांग पर अडिग हैं कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी किस तरफ जा सकती है। ऐसी भी खबरें हैं करिश्मा की, शैलजा कुमारी जो है हरियाणा से आती है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, समाज के कमजोर तबके का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके नाम को लेकर भी मजबूती से बात उठी है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो शैलजा कुमारी को सौंपा जाए। क्योंकि राहुल ये मानते हैं कि अगर वो ये जिम्मेदारी फिर संभालते हैं तो एक तो ये नैतिक रूप से उचित नहीं होगा कि 2 चुनावों में पराजय के बाद 2014 और 2019 के बाद ये जिम्मेदारी वो संभालें, ये उचित नहीं होगा। और दूसरा, एक बार फिर बीजेपी को ये मौका मिलेगा कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, तो राहुल इन दलीलों के आधार पर अड़े हैं कि वो ये जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। सोनिया जी अपने स्वास्थ्य के चलते अब ये जिम्मेदारी बहुत लंबे समय तक नहीं निभा सकती हैं, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या शैलजा कुमारी या किसी अन्य नाम पर कांग्रेस में सहमति बनती है। लेकिन शरद जी, क्या आप इस वक्त क्या आप ये देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस का जनाधार अगर कम भी हो रहा है तो एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो इस पार्टी में जान फूके और कार्यकर्ताओं में जोश भरे, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि दूसरों पर भी भरोसा जताना? और आखिर क्यों युवा नेता कहीं ना कहीं वो असंतुष्टि लेकर आ रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाल ही में हमने देखा, हालांकि अब पायलट को मना लिया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा असंतुष्टि खासतौर से दिखाई दे रही है। देखिए कारण बहुत साफ है करिश्मा, कि कांग्रेस इस समय केंद्रीय स्तर पर ही नेतृत्व की उलझन से गुजर रही है और कांग्रेस में कोई इस समय इस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है जो पूर्णकालिक तौर पर पूरी सक्रियता से देश के दौरे कर रहा हो, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की राजनीति के हर पेचोखम पर बारीकी से निगाह रखे हो और तमाम बड़े नेताओं के, युवा नेताओं के संपर्क में भी हो। राहुल एक ऐसे नेता जरूर हैं जिन्होंने अपनी
नैतिकता, अपने मूल्य, इसको लेकर उन्होंने बहुत मजबूती से उस पर डटे रहने का संकल्प जरूर दिखाया है, लेकिन वो एक अंतर्मुखी और खुलकर सभी से बात करने वाले नेता के तौर पर अभी पार्टी में स्थापित शायद अभी उनको होना है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये कांग्रेस की दुविधा जो है, यही राज्यों में उसके जनाधार कम होने का कारण बन रही है, और जहां उसकी सरकारें हैं वहां भी युवा नेता और वरिष्ठ पीढ़ी के बीच में एक द्वंद्व हमको दिख रहा है, जैसा हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा, और इसके पहले हमने पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले भी ये द्वंद्व देखा था, जब खुद राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीएम कैंडिडेट के तौर पर उनके प्रोजेक्शन के लिए सहमत नहीं थे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस में युवा नेताओं का जो हुजूम है, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी करते हैं, वो युवा नेताओं को मौका देने के पक्ष में तो है, लेकिन वो खुलकर अपनी बात नहीं कहता है। तो इस दुविधा से कांग्रेस को निकलना होगा, और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी यही होगी। करिश्मा जी, बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं इस बैठक में इसे लेकर आगे की स्ट्रैटेजी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लीडरशिप के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, और पार्टी का एक गुट राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहता है। राहुल के इस्तीफे देने के बाद सोनिया ने जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि किसको ये लीडरशिप मिलती है।